Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to start the new topic, which is anti-malarial. Before going to the anti-malarial agents, you have to know that what is malaria and how it is produced and what causes malaria. Malaria is basically caused by the parasite Plasmodium, and it is transmitted to humans by female Anopheles mosquito. Generally it is preventable and curable. हमारे पास जो malaria है वो basically cause होता है due to the parasite which is the Plasmodium, and ये जो है ये transmit होता है human में by female Anopheles mosquito. और generally आपके पास जो malaria है वो preventable भी है और curable भी है. और if you talk about the symptoms of the malaria, malaria is the disease which is characterized by high grade fever, headache and chills, continuous chills. ठीक है. और जो plasmodium है जो कि parasite है which is responsible to produce malaria, तो ये basically four types of species है इसकी. first है आपके पास plasmodium falciparum. और जो 50% ऑफ मलेरिया है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू दी दिस स्पीशी. और ये जो टाइप है मलेरिया की जो कि प्रोड्यूस होती है बाय प्लास्मोडियम फैल्सिपेरम, इट इज़ द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज एंड इट इज़ मेलिग्नेंट. और जो आपके पास प्लास्मोडियम वाइवेक्स है ये सेकेंड टाइप है आपकी. और जो 40% ऑफ मलेरिया है, 40% ऑफ मलेरिया आर प्रोड्यूस बाय द प्लाज्मोडियम विवेक्स. एंड ये जो है ये आपके पास बिनाइन है. और इसके अलावा जो है रिकरेंस जो है वो इस केस में जो है वो हो जाती है. और रिकरेंस का मतलब ये है कि आफ्टर क्योर द डिजीज अगेन अपीयर. और जो इन्फेक्शन अगेन अपीयर होगा इस केस में वो जनरली इन्फेक्ट करता है लीवर सेल्स को. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास प्लाज्मोडियम मलेरी. और ये जो है जनरली 10% ऑफ द मलेरिया कॉज बाय दिस टाइप ऑफ स्पीशी. और इसमें भी रिलैप्स होने के चांसेस हैं. रिलैप्स और रिलैप्स का मतलब ये है कि आफ्टर क्योर इन्फेक्शन में अकर अगेन. और प्लाज्मोडियम ओवेल जो है ये लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पीशी है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज मलेरी. जो फर्स्ट थ्री टाइप्स हैं दे आर कॉमन इन ह्यूमन. और जो फोर्थ टाइप है ये जनरली आपके पास बर्ड्स और रेप्टाइल्स में जो है ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस करती है. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव, इफ यू टॉक अबाउट द सॉरी If you talk about the life cycle of malarial parasite, तो आपके पास यहाँ पे जो है ये मैंने describe किए हैं. यहाँ पे basically मैंने flow chart की form में life cycle को show किया है जो कि malarial parasite की है. Actually आपके पास दो तरह के phases हैं malarial parasite की life cycle में. एक आपके पास sexual phase है और एक आपके पास asexual phase है. Asexual phase जो है ये generally जो है वो कंप्लीट होता है हिपेटोसाइट में. और आपके पास जो सेक्सुअल फेज है वो आपके पास जो है जो एसेक्सुअल फेज है वो जनरली कंप्लीट होता है इन द लिवर ऑफ द ह्यूमन. और एसेक्सुअल फेज को शिजोगोनी भी कहते हैं क्योंकि इस फेज में आपके पास शिजोन्स बन रहे होते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज शिजोगोनी. और ये बेसिकली एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज है. ठीक है. और जो कि हमारे पास एसेक्सुअल जो फेज है वो कंप्लीट होता है इन द लिवर ऑफ द ह्यूमन. और इसको शिजोगोनी भी कहते हैं. शिजोगोनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें शिजोन्स फॉर्मेशन हो रही होती है. और जो सेक्सुअल साइकिल है वो कंप्लीट होती है इन द स्टमक ऑफ द मॉस्किटो. और इसको हम स्पोरोगोनी भी कहते हैं. स्पोरोगोनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फेज में आपके पास बन रहे होते हैं स्पोरोजॉइट्स. दैट्स व्हाई जो सेक्सुअल फेज है उसको स्पोरोगोनी भी कहते हैं. अच्छा, सबसे पहले होता क्या है, आपके पास साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है?
लाइफ साइकिल स्टार्ट ऐसे होती है, यहाँ पे अगर आप देखें ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं, बेसिकली स्पोरोजॉइट्स आपके पास फीमेल जो एनोफिलीज मॉस्किटो है उसमें ये सेव होते हैं इन द सेलिवरी ग्लैंड, और अपॉन बाइटिंग टू द पेशेंट ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं आपके पास ये सेलिवरी ग्लैंड से एंटर होते हैं पेशेंट्स ब्लड में और अपॉन बाइटिंग, एंड ये जो अपॉन बाइटिंग ये इंजेक्ट होंगे किसमें, ह्यूमन ब्लड में या पेशेंट्स ब्लड में। अब ये जो साइट है आपके पास, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट साइट है फॉर द ड्रग इंटरवेंशन, क्योंकि यहाँ पे आप क्यों इंपॉर्टेंट साइट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट साइट है कि अगर आप इसको ब्लॉक कर देंगे तो आपके पास पूरी साइकिल ब्लॉक हो जाएगी और आपके पास जो इन्फेक्शन है पैरासाइट जो इन्फेक्शन है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा आपके पास लिवर सेल्स में, और जो इरिथ्रोसाइट्स हैं आप उनको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय दिस इन्फेक्शन। दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर द ड्रग इंटरवेंशन। और यहाँ पे ये जो बॉक्सेस हैं 1, 2, 3, 4, ये बेसिकली बॉक्सेस ये शो कर रहे हैं ये टारगेट साइट्स को, जो कि टारगेट साइट्स फॉर एंटी मलेरियल ड्रग्स जो हैं उनकी जो टारगेट साइट्स हैं उसको शो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अपॉन इंजेक्शन इनटू द ह्यूमन ब्लड और द पेशेंट्स ब्लड विद इन द फ्यू मिनट ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्राइमरी शिजोन्स में, और ये बेसिकली एंटर होंगे ब्लड से हिपेटोसाइट में, और हिपेटोसाइट्स जो कि लिवर सेल्स हैं आपके पास उनमें कन्वर्ट हो जाएंगे प्राइमरी शिजोन्स में। ठीक है, और प्राइमरी शिजोन्स में जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे लिवर में तो उसके बाद ये कन्वर्ट होंगे किसमें, मीरोजॉइट्स में। अब ये जो मीरोजॉइट्स हैं, अच्छा ये जो फेज ये जो यहाँ तक का स्टेज है इसमें कोई भी आपके पास क्लिनिकल सिम्टम्स अपेयर नहीं होंगे मलेरिया के। ठीक है, अच्छा, अब जब मीरोजॉइट्स कन्वर्ट हो गए हैं, प्राइमरी शिजोन्स कन्वर्ट हो गए हैं मीरोजॉइट्स में, तो अब अपॉन डिपेंडिंग डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द स्पीशी आपके पास जो कन्वर्जन होगी इन मीरोजॉइट्स की, या तो क्या होगा कि ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे सेकेंडरी शिजोन्स में, जो आपके पास तीनों टाइप्स हैं उनमें ही कन्वर्ट हो जाएंगे सेकेंडरी शिजोन्स में, लेकिन जो पी फैल्सिपैरम है उसमें ये सेकेंडरी शिजोन्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, और क्या होगा कि ये जो मीरोजोआइट्स हैं ये अपॉन रप्चरिंग दी हिपेटोसाइटिक हिपेटोसाइट्स ये एंटर हो जाएंगे ब्लड में। ठीक है, क्या होगा कि जो सेकेंडरी शिजोन्स हैं वो भी कन्वर्ट होंगे किसमें, मीरोजॉइट में, और जब वो मीरोजॉइट में ये जो सेकेंडरी शिजोन्स हैं ये क्या करेंगे, ये रप्चर करेंगे हिपेटोसाइट को, और रप्चर करने के बाद जब ये ब्लड में एंटर होंगे तो ये एंटर होंगे इन द फॉर्म ऑफ मीरोजॉइट्स, लेकिन जो पी फैल्सिपैरम है उसमें ये जो मीरोजॉइट हैं ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे डायरेक्टली जो है ये हिपेटोसाइट को रप्चर करके एंटर हो जाएंगे ब्लड में। ठीक है, अच्छा, अब जब ब्लड में ये एंटर होंगे ये जो मीरोजॉइट्स हैं अब ये इन्फेक्ट करेंगे किसको, इरिथ्रोसाइट्स को, यानी कि आरबीसीज को। अच्छा, यहाँ पे जब ये इरिथ्रोसाइट में एंटर होंगे तो आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी क्या, रिप्रोडक्शन साइकिल, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द रिप्रोडक्शन साइकिल ये जो मीरोजॉइट्स हैं दे रिजाइड इनटू द इरिथ्रोसाइट फॉर अबाउट 3 to 4 days। अच्छा, आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ द रिप्रोडक्शन साइकिल ये जो मीरोजॉइट्स हैं ये क्या करेंगे, ये फर्दर मीरोजॉइट्स बनाएंगे और जो एडजेसेंट इरिथ्रोसाइट्स हैं उनको इन्फेक्ट करेंगे, और या फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गेमिटोसाइट में, या तो ये फर्दर मीरोजॉइट्स बनाएंगे और फर्दर इरिथ्रोसाइट्स को इन्फेक्ट करेंगे, या फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, गेमिटोसाइट्स में। अच्छा, जब ये गेमिटोसाइट में कन्वर्ट होंगे या फिर फर्दर मीरोजॉइट बनाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये इरिथ्रोसाइट्स को रप्चर करेंगे। अब जो इरिथ्रोसाइट का डेब्रिस होगा तो दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर द सीवियर फीवर एंड चिल्स, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास इम्यून सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट होगा ड्यू टू दी रिपीटेड एक्सपोजर विद दी पैरासाइट, और आपके पास क्योंकि इस एंटीजन के नतीजे में फिर क्या होगा, आपके पास एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी बॉडी में।
एंटीजेंस क्या होते हैं? एंटीजेंस एज यू नो कि हमारे पास फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं विच इंड्यूसेस एन इम्यून रिस्पॉन्स इनसाइड द बॉडी, और जिसके नतीजे में आपके पास क्या प्रोड्यूस होती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, अब आपके पास ये जो मीरोजॉइट्स हैं या फिर और आपके पास जो गेमिटोसाइट हैं, तो अपॉन रप्चरिंग द इरिथ्रोसाइट क्या होगा कि ये जो गेमिटोसाइट हैं, इधर मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट, दे एंटर इन टू दी मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में। और जो मीरोजॉइट हैं ये क्या करेंगे, ये फर्दर आपके पास जो एडजेसेंट इरिथ्रोसाइट है उसमें एंटर होंगे और उनको इन्फेक्ट करेंगे, और जो गैमेटोसाइट हैं फीमेल और मेल गैमेटोसाइट, ये एंटर होंगे किसमें, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में, जब आपके पास मॉस्किटो जो है वो बाइट करेगा इन्फेक्टेड ह्यूमन को, तो ये जो गैमेटोसाइट फॉर्म हुए हैं ये क्या होंगे, ये एंटर हो जाएंगे मॉस्किटो में, और देन क्या होगा आपके पास, ये फीमेल और मेल गैमेटोसाइट फ्यूज टुगेदर बाय फर्टिलाइजेशन, और आपके पास जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा वो इनसाइड द मॉस्किटो होगा, और इसीलिए जो है हमने अभी देखा था कि रिप्रोडक्शन साइकिल या जो आपके पास सेक्सुअल फेज है, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट का, वो कंप्लीट होता है किसमें, मॉस्किटो के स्टमक में। अच्छा, एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन आपके पास क्या बनते हैं, जाइगोट्स, जाइगोट बनते हैं इन द स्टमक ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, और ये जो जाइगोट फॉर्म हुए हैं ये कन्वर्ट होते हैं किसमें, ऊसिस्ट में, और ये रिजाइड करते हैं इन द स्टमक एपिथीलियम, और अब ये जो ऊसिस्ट है ये माइग्रेट करती है किसमें, इन द सेलिवरी ग्लैंड, इन द सेलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, जहाँ पे ये सेव होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइट। अच्छा, अब जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है उसकी सेलिवरी ग्लैंड में आपके पास स्टोर हो गए हैं ऊसिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइट। अब ये जो स्पोरोजॉइट हैं ये सेव हो गए हैं, अब आपके पास अगेन साइकिल रिपीट होगी, कब रिपीट होगी, जब ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है ये बाइट करेगी किसको, ह्यूमन को, तो आपके पास अगेन साइकिल जो है स्टार्ट हो जाएगी। ये आपके पास एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज था जो कि कंप्लीट होता है लिवर में, और ये आपके पास एसेक्सुअल फेज भी है, और इस एसेक्सुअल फेज को हमने शिज़ोगोनी का नाम दिया था क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे प्राइमरी शिज़ोन्स और सेकेंडरी शिज़ोन्स फॉर्मेशन हो रही है, और दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज शिज़ोगोनी, और आपके पास जो सेक्सुअल फेज था वो कंप्लीट हुआ है स्टमक में और मॉस्किटो के स्टमक में, और इस फेज को हम स्पोरोगोनी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या बन रहे होते हैं, स्पोरोसाइट्स बन रहे होते हैं। अच्छा, ये जो मलेरियल पैरासाइट है, अगर आप देखें इसकी लाइफ साइकिल में, तो आपके पास जो वेक्टर है वो दो तरह के वेक्टर हैं। वेक्टर बेसिकली आपके पास क्या होता है, वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट कॉज डिजीज इट्सेल्फ, बट इट स्प्रेड इन्फेक्शन बाय कन्वेइंग पैथोजन फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। यहाँ पे दो होस्ट हैं आपके पास, एक आपके पास ह्यूमन है और एक आपके पास मॉस्किटो है, और दोनों वेक्टर के तौर पे एक्ट करेंगे। वेक्टर के तौर पे कैसे एक्ट करेंगे, आपके पास जो आपके पास मॉस्किटो है दैट कैन इन्फेक्ट द ह्यूमन, एक आपके पास वेक्टर ये हो गया, और सेकेंड वेक्टर आपके पास क्या है, ह्यूमन दैट इन्फेक्ट द मॉस्किटोज, तो ये दोनों क्या हो गया, आपके पास वेक्टर हो गए। क्यों? क्योंकि जो आपके पास इन्फेक्टेड जो आपके पास मॉस्किटो है जब ये बाइट करेगा ह्यूमन को, तो दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, यानी कि वो इटसेल्फ प्रोड्यूस नहीं कर रहा डिजीज, बल्कि ये क्या कर रहा है, ये पैथोजिन को स्प्रेड कर रहा है ह्यूमन में, तो ये आपके पास इसलिए ये वेक्टर है, और जो आपके पास इन्फेक्टेड ह्यूमन है वो स्प्रेड कर रहा है पैरासाइट को बाय इन्फेक्टिंग दी मॉस्किटोज, तो इस तरह से ये दोनों जो हैं ये दोनों एक्ट करेंगे वेक्टर के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मलेरिया है इसमें जो मेन वेक्टर है वो आपके पास है फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव वेज टू कंट्रोल मलेरिया। पहले हमने देखा कि मलेरिया जो है वो क्या है, कैसे कॉज होता है, और आपके पास जो स्पीशीज है उनकी टाइप क्या है,
देन हमने देखा कि आपके पास जो लाइफ साइकिल है मलेरिया की, वो उसमें जो है वो कौन कौन से स्टेजेस हैं, और बेसिकली क्या होता है, आपके पास सर्टेन टाइम रिक्वायर होता है पैरासाइट के लिए टू कंप्लीट इट्स मल्टी स्टेज लाइफ साइकिल। और उसके बाद इस स्लाइड में हमारे पास है वेज टू कंट्रोल मलेरिया। सबसे पहला जो वे है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मलेरिया इज द कंट्रोलिंग ऑफ वेक्टर दैट इज एनोफिलीज मॉस्किटो। देर आर बेसिकली टू वेज टू कंट्रोल मॉस्किटो कैरियर, ठीक है। नंबर वन वे क्या है, वन इज टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड इंसेक्ट। पहला वे ये है कि हम प्रिवेंट करें जो कॉन्टैक्ट है बिटवीन ह्यूमन एंड इंसेक्ट। और जो सेकेंड है, सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेकेंड जो वे है टू कंट्रोल द मॉस्किटो कैरियर इज द एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड स्प्रे सच एज डीडीटी। डीडीटी इज बेसिकली डाइक्लोरोफिनाइल, दिस इज फिनाइल, डाइक्लोरो बिकॉज इट कंटेन टू क्लोरो ग्रुप, और डाइफिनाइल क्योंकि आपके पास दो फिनाइल रिंग है इसके स्ट्रक्चर में, डीडीटी के स्ट्रक्चर में, और ट्राइक्लोरो, दिस इज ट्राइक्लोरो, और दो कार्बन की चेन है आपके पास, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इथेन। दैट्स व्हाई द होल स्ट्रक्चर, आपके पास जो डिफरेंट आपके पास फंक्शनल ग्रुप है ये मिलके क्या बना रहे हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये आपके पास केमिकल नेम है किसका, डीडीटी का, जो कि आपके पास बहुत जो है वो फेमस स्प्रे है, ठीक है, डीडीटी का। और ये सिंथेसाइज किया था डॉक्टर पॉल मुलर ने। अच्छा, डीडीटी ऑल्दो ये लॉन्ग लास्टिंग है, बट इसका जो मेजर साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये एक्यूमुलेट हो जाता है इन्वायरमेंट में, और क्योंकि ये एक्यूमुलेट हो जाता है इन्वायरमेंट में, ऑल्दो दिस इज लॉन्ग लास्टिंग, ऑल्दो डीडीटी इज लॉन्ग लास्टिंग, बट इसका जो एक मेजर साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये एक्यूमुलेट हो जाता है इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से क्या किया गया, इसको बैन कर दिया गया इकोनॉमिकल कंट्रीज में। और जो आपके पास अंडर डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज हैं, एज यू नो वेरी वेल कि वहाँ पे मलेरिया जो है वो एंडेमिक है, और जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ द पुअर्टी एंड दे कैन नॉट अफोर्ड न्यू एंड बेटर इंसेक्टिसाइड स्प्रे, ठीक है। तो ऑल्दो जो आपके पास इकोनॉमिकल कंट्रीज हैं उनमें इसको बैन कर दिया गया क्योंकि बिकॉज ऑफ द एक्युमुलेशन इन द इन्वायरमेंट, लेकिन आपके पास जो अंडर डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज हैं जहाँ पे मलेरिया बहुत कॉमन है ड्यू टू दी पुअर्टी और पुअर हाइजीन कंडीशन, तो वहाँ पे दे कैन नॉट अफोर्ड इवन न्यू एंड बेटर इंसेक्टिसाइड स्प्रे। और हियर आई हैव मेंशन द स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी, एज यू कैन सी कि इसमें आपके पास दो क्लोरो ग्रुप है, एक आपके पास ट्राइक्लोरो है और एक आपके पास इथेन है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। सेकेंड वे जो है, पहला था टू पहला वे जो है टू कंट्रोल द मलेरिया इज टू कंट्रोल द वेक्टर, सेकेंड इज द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या है कि एज यू नो कि वैक्सीन जो है वो प्रिवेंटिव मेजर है, ठीक है, लेकिन जो पैरासाइट है उसकी कॉम्प्लेक्स नेचर होने की वजह से और इसका जो इंटरेक्शन है विद ह्यूमन रेड ब्लड सेल, तो आपके पास लार्ज नंबर ऑफ एंटीजेनिक साइट्स जो है वो अवेलेबल हैं फॉर द इम्यून सिस्टम। एंटीजेनिक साइट्स क्या होती हैं, दे आर बेसिकली द रीजन विच इज फाउंड इन द पैरासाइट सरफेस प्रोटीन, एंड दीज साइट्स आर द टारगेट ऑफ एक्टिव एंटीबॉडीज, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास आइडियल एंटी मलेरियल वैक्सीन है दैट शुड हैव दैट शुड बी इफेक्टिव अगेंस्ट पी फैल्सीपेरम एटलीस्ट, और पी विवेक्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर 90% ऑफ मलेरियल केसेस, जो आइडियल एंटी मलेरियल वैक्सीन होनी चाहिए उसको इन दोनों के अगेंस्ट जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। अच्छा, जो एक वैक्सीन डेवलप हुई थी अगेंस्ट मलेरिया वो थी आरटीएस वैक्सीन, जो कि डेवलप की थी जीएसके ने अराउंड इन 2016। बट ये जो है उसकी जो एफिकेसी थी वो बहुत लो थी,
और बिकॉज ऑफ द लो एफिकेसी WHO डजेंट रेकमेंड इट्स रूटीन यूज बिकॉज इट हैज लो एफिकेसी. और बेसिकली RTS वैक्सीन कंटेन द सरफेस प्रोटीन फ्रॉम द स्पोरोजॉइड स्टेज. और ये डिजाइन इसलिए की गई एज यू नो कि जो वैक्सीन्स होती हैं वो जनरली इम्यून सिस्टम के लिए जो है वो डिजाइन की जाती हैं. तो RTS वैक्सीन इज ऑल्सो डिजाइन फॉर इम्यून सिस्टम इन ऑर्डर टू स्टॉप द पैरासाइट. एज यू नो कि पैरासाइट जो है इट इंटर्स द पेशेंट्स ब्लड फ्रॉम द मॉस्किटो. ये क्या करता है, ये पेशेंट के ब्लड में एंटर होगा फ्रॉम द मॉस्किटो एंड बिफोर द पैरासाइट कैन रीच द लीवर. ये जो वैक्सीन है ये प्रिवेंट करेगी इस पैरासाइट को बिफोर रीचिंग द लीवर वेयर जहाँ पे ये मेच्योर होता है और मल्टीप्लाई होता है इन ऑर्डर टू इनिशिएट द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. ठीक है, बट ड्यू टू द लो एफिकेसी WHO डोंट रेकमेंड इट्स रूटीन यूज. किसका यूज, RTS वैक्सीन का. ठीक है, तो देयर इज अ सो स्टिल देयर इज अ नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव वैक्सीन एंटी अगेंस्ट मलेरिया. अच्छा, थर्ड वी हैव थर्ड वे टू कंट्रोल द मलेरिया इज द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग थेरेपी दैट आर एंटी मलेरियल एजेंट और एंटी मलेरियल्स. होता क्या है कि अगर आप देखें तो बाय द कम्बिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ड्रग एंड रेजिस्टेंस ऑफ ड्रग्स टू द पैरासाइट एंड सिवियर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस मेक द पेशेंट कंप्लाइंस डिफिकल्ट. और कोई भी अभी तक एंटी मलेरियल जो है, नो वन एंटी मलेरियल इज इफेक्टिव कंप्लीटली अगेंस्ट ऑल द मेंशनड टाइप्स ऑफ द पैरासाइट विच आर फोर टाइप्स. तो आपके पास कोई भी एंटी मलेरियल जो एजेंट है इज नॉट इफेक्टिव कंप्लीटली अगेंस्ट फोर टाइप्स ऑफ पैरासाइट. और स्टिल देयर इज अ होप टू डेवलप प्रोटेक्टिव वैक्सीन. और या फिर आपके पास कोई ऐसा एंटी मलेरियल एजेंट जो कि आपके पास लॉन्ग एक्टिंग हो, इनएक्सपेंसिव हो और नॉन टॉक्सिक हो और प्रोफाइलेक्टिकली आप उसको यूज़ कर सकें और जो है जो सप्रेस कर सके पैरासाइट को और मलेरिया को कम्प्लीटली क्योर कर सके विदाउट कॉजिंग एनी रेजिस्टेंस. तो स्टिल देयर इज़ अ ट्रेमेंडस नीड फॉर इफेक्टिव एंटी मलेरियल एजेंट्स. और आपके पास अगर देखा जाए, मैंने बात की थी कि आपके पास लाइफ साइकिल वाली स्लाइड में जो आपके पास फोर बॉक्सेस बने हुए थे दैट बेसिकली इंडिकेट दी पॉसिबल साइट्स फॉर दी ड्रग थेरेपी. फर्स्ट साइट जो है आपके पास पॉसिबल साइट फॉर दी ड्रग थेरेपी अगेंस्ट मलेरिया इज फर्स्ट इज किल फर्स्ट इज दी ड्रग्स विच किल दी स्पोरोजॉइट्स इंजेक्टेड बाय द मॉस्किटो एंड प्रिवेंट दी स्पोरोजॉइट फ्रॉम एंटरिंग टू द लीवर. जो आपके पास फर्स्ट साइट थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो अगर आप उसको जो स्पोरोजॉइट जहाँ पे एंटर हुए हैं इन टू द ब्लड ऑफ द ह्यूमन अपॉन बाइटिंग, अगर आप उसको वहीं पे किल कर देंगे तो क्या होगा, वो फर्दर जो है वो लीवर में एंटर नहीं हो पाएगी. तो आपके पास जो फर्स्ट साइट है इज द साइट वेयर the drug can kill the sporozoid that are injected by the mosquito and prevent the sporozoid from entering to the liver. Second one is to kill the schizont residing in hepatocytes and prevent them from becoming merozoite. Second phase आपके पास क्या है, sorry, second site है वो for the drug intervention is the site where you can kill the schizonts. प्राइमरी शिजोंट एंड सेकेंडरी शिजोंट, ताकि ये जो शिजोंट्स हैं ये मीरोजॉइट में कन्वर्ट ना हो पाए और जो कि रिजाइड कर रहे होते हैं किसमें, हिपेटोसाइट में. थर्ड साइट जो है वो आपके पास साइट है फॉर द ड्रग इंटरवेंशन और द सेकेंड साइट फॉर ड्रग थेरेपी इज
site where you can kill the merozoite in the blood and prevent them from developing into gametocyte. थर्ड साइट जहाँ पे आप ड्रग इंटरवेंशन कर सकते हैं इज द साइट वेयर द ड्रग कैन किल द मीरोजॉइट, जो कि मीरोजॉइट जो ब्लड में है आप उनको किल अगर कर देंगे तो क्या होगा कि वो फर्दर जो गेमिटोसाइट है वो नहीं बन पाएंगे, ठीक है। और जो फोर्थ एंड लास्ट साइट है दैट इज टू किल द गेमिटोसाइट बिफोर दे कैन इंटर द मॉस्किटो एंड रिप्रोड्यूस इनटू जाइगोट्स। जो फोर्थ साइट है वो आपके पास ऐसी साइट है जहाँ पे ऐसी ड्रग्स जो है वो डेवलप की जा सकती हैं जो कि क्या करें गैमेटोसाइट जो कि फॉर्म हो चुके हैं उनको किल कर दें। अगर वो गैमेटोसाइट किल हो जाएंगे तो क्या होगा, वो गैमेटोसाइट एंटर नहीं हो पाएंगे मॉस्किटो में और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी तो ये रिप्रोड्यूस नहीं हो सकेंगे किसमें, जाइकोट में, और जब जाइकोट में कन्वर्ट नहीं हो सकेंगे तो ऊसिस नहीं बनेंगे, और जब ऊसिस नहीं बनेंगे तो स्पोरोजॉइट नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको फोर्थ साइट पॉसिबल साइट्स बताई फॉर दी ड्रग थेरेपी, और पहले मैंने डिस्क्राइब कर दी थी लाइफ साइकिल। जब मैंने लाइफ साइकिल डिस्क्राइब कर दी तो इसलिए आपके पास जो साइट्स थी फॉर ड्रग थेरेपी उनको समझना बहुत आसान हो गया, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इन दिस लेक्चर आई हैव कवर्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ द मलेरिया एंड द लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरियल पैरासाइट एंड द पॉसिबल साइट्स ऑफ फॉर द ड्रग थेरेपी। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर इंशाल्लाह इंडिविजुअल एंटी मलेरियल एजेंट। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।